नमस्कार दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ऑल द वेरिएंट्स ऑफ एक्टिवा, बेस से लेके टॉप तक आपको सारा मॉडल्स इस वेरिएंट में दिखाएगा। होंडा ने अभी तक 3 मॉडल्स निकाले हैं एक्टिवा में, तो सबके बारे में बात करेंगे और किसमें कौन कौन सा फीचर्स, प्राइस, सब कुछ और क्या क्या चेंजेस है, टॉप मॉडल में क्या फीचर ज्यादा है और बेस मॉडल में क्या फीचर्स कम है, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो उससे पहले सब्सक्राइब कर दी मेरे चैनल को, हमेशा की तरह मजा आ जाएगा, सब्सक्राइब करके देखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं टॉप मॉडल इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा हूं, तो ऊपर में आपको आई बटन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए और आपको पूरा ओवरऑल वीडियो मिल जाएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं ओवरऑल से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्टिवा का बेस मॉडल। तो एक्टिवा में जो बेस मॉडल अभी आता है, तो पहले यहाँ पे एक्टिवा 6G का नाम से आता था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिवा 6G लिखा हुआ, लेकिन अब यहाँ हट गया है, अब ये आ गया है एक्टिवा स्टैंडर्ड। यहाँ देख सकते हैं आप एक्टिवा स्टैंडर्ड मिलेगा। ये एक्टिवा का डीलक्स है, जिसमें डीलक्स में आपको क्या कंपैरिजन में दिखते हैं देखने को मिलता है कि ये है LED लाइट, स्टैंडर्ड में आपको हैलोजन लाइट मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं एक्टिवा का, तो ये है एक्टिवा का एच स्मार्ट, यहाँ पे देखने को मिलता है एच स्मार्ट का लोगो, ठीक है। सिर्फ आपको एच स्मार्ट का ही बैजिंग देखने को मिलेगा, बाकी किसी में नहीं है। एच स्मार्ट में क्या डिफरेंस है, ये जो आप देख ले रहे हैं ये है कीलेस फीचर्स के साथ आपको देखने मिलेगा। एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाया हूँ, आपको फिर से कह रहा हूँ, आई बटन में क्लिक करिए मिल जाएगा। और ये है इसका चाबी। ये बात कर लेते हैं फ्रंट लुक का, तो गाड़ी का फ्रंट लुक देख सकते हैं एज इट इज, नो चेंजेस है। तीनों का तीनों आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉप मॉडल है, कौन सा बेस मॉडल है, क्योंकि अगर आप देखने जाएंगे बेस मॉडल तो आपको हेलोजन लैंप यहाँ पे देखने को मिलेगा, और डीलक्स लेंगे तो आपको LED मिलेगा, और अगर टॉप मॉडल एच स्मार्ट लेंगे तो आपको LED देखने को मिलेगा। तो LED के चलते भी आपको थोड़ा बहुत लुक इनहेंस ज्यादा लगता है, देख सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा लग रहा है LED के चलते, हेडलाइट के चलते। तो अब बात कर लेते हैं और क्या फीचर्स हटाया गया है और दिया गया है टॉप मॉडल में। तो सबसे बड़ा बात, यहाँ पे आपको मिलता है बेस मॉडल में रिम व्हील्स बोलते हैं इसको, और यहाँ पे भी आपको रिम व्हील्स देखने को मिलेगा। ये डीलक्स मॉडल देख रहे हैं, और अगर आप लेने जाएंगे टॉप मॉडल एच स्मार्ट, तो इसमें आपको एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं एलॉय व्हील। टायर साइज का बात कर ले, टायर साइज आपको देखने को मिलेगा, ये है 12 इंच का ट्यूबलेस टायर्स, ठीक है, ये एलॉय व्हील का। सेम साइज आपको टायर मिलेगा, उसमें भी आपको 12 इंची का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, और 2300 सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनना चाहते हैं प्राइस का, तो प्राइस का बात कर ले कितना का कितना क्या पड़ेगा। तो मैं अभी हूँ नोएडा में, तो प्राइसिंग का बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बेस मॉडल्स एक्टिवा का, तो ये आपको पड़ जाएगा 94,000 ऑन रोड, उत्तर प्रदेश का बात कर रहे हैं जो नोएडा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है टॉप मॉडल नहीं है, ये है डीलक्स है, तो डीलक्स का प्राइस जो है ये है 97,000 है, और अगर आप टॉप मॉडल ले जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1,01,000 में आपको ये टॉप मॉडल मिल जाएगा विद कीलेस फीचर्स के साथ आता है। बैक से स्टार्ट करते हैं, तो बैक में आपको देखने को मिलता है नॉर्मल हेलोजन लैंप। आप कोई भी वेरिएंट ले, अगर आप टॉप मॉडल ले या बेस मॉडल ले, आपको हेलोजन लैंप का ही ऑप्शन दिया गया है। तो बताए आपको पीछे का, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा 10 इंची का, मतलब 2 साइज कम पीछे का टायर रखा गया है बेस मॉडल में। यहाँ पे भी आपको 2 साइज कम टायर है, ये भी आप दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए 10 इंची का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, देखिए 10 इंची यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम दिखाते हैं आपको पीछे का, ये जो आप देख रहे हैं ये कितना इंची है बताएं, ये है आपका, अरे ये भी 10 इंची का रखा गया, मतलब पीछे का साइज जो टायर है, टायर साइज में बेस मॉडल टॉप मॉडल कोई भी कंपेयर नहीं किया गया है। हाँ, सिर्फ एक एक अंतर किया गया है, यहाँ पे आपको इसमें आपको MRF के टायर्स मिलते हैं, और ये जो मॉडल देख रहे हैं आप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी MRF के टायर्स है, मतलब टायर्स भी MRF का ही दे रहा है होंडा अभी तक के लिए। खाते हैं और एक चीज जो हटाया गया है, देखिए यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए, ये है किक यहाँ से हट गया है होंडा एच स्मार्ट से, एक्टिवा एच स्मार्ट से किक हट चुका है। और अगर आप लेने जाएंगे डीलक्स मॉडल या बेस मॉडल जिसका है स्टैंडर्ड मॉडल, तो उसमें आपको किक देखने को मिल जाएगा। देखिए ये क्या फिगर आउट थिंकिंग, क्या मुझे अभी तक नहीं पता कि किक क्यों हटाया गया, लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट में कि किक क्यों हटाया है। तो इसमें आपको किक मिल जाएगा, और अगर आप डीलक्स लेंगे तो आपको डीलक्स में भी किक मिल जाएगा, और ESP मतलब इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी, आपको कोई भी मॉडल लीजिए आपको उसमें भी देखने मिलेगा, देख सकते हैं इनहेंस स्मार्ट पावर दिखा गया है। और क्या चेंजेस आपको दिखाते हैं, आपको बूट स्पेस खोलते हैं, देखिए बूट स्पेस खोल के दिखाते हैं आपको, इस तरह का आपको बूट देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं डीलक्स मॉडल का बूट, और अगर आप लेने जाएंगे स्टैंडर्ड का बूट देखिए, तो नो चेंजेस है, सेम रखा गया है, बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट है, प्लास्टिक क्वालिटी आप जैस एज इट इज अच्छा ही है, नो डाउट। और सीटिंग का भी बात कर ले रहे हैं, और अगर हम बात कर लेते हैं अब कुशनिंग का, सीट्स कैसा दिया गया, तो अच्छा है, कुशनिंग भी कंफर्टेबल है। अगर आप टॉप मॉडल लो या बेस मॉडल लो, सेम सीट्स आपको देखने मिलेगा, ये है फैब्रिक सीट्स। अब बात कर लेते हैं मेन कंसोल का, जो है मेन चीज़ जो आपको
डाइवर्सिफाई करता है कि ये है टॉप मॉडल, ये है बेस मॉडल, तो क्या चीज़ें डाइवर्सिफाई करने वाला, वो है ये है इसका कीलेस, आप देख सकते हैं गाड़ी इसी कीलेस से, मतलब इस जो चाबी है तो निकाल नहीं सकते। इस चाबी को अपना पॉकेट में रखिए और आइए, चाबी को पॉकेट में रखिए, इसको ऐसे करके दबाइए, ये ऑन हुआ, ऐसे कीजिए ऑन एक बार, ये पूरा सिस्टम ऑन, ऐसे दबाइए ब्रेक, देखिए गाड़ी स्टार्ट, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। और आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, ऐसा फीचर है। और अगर आप लेने जाएंगे कि नहीं मेरे को इतना कौन 1,01,000 रुपया ज़्यादा क्यों स्पेंड करे, क्या है खासियत, तो आप इसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल देख रहे हैं ये है डीलक्स, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको अंतर है कि वो कीलेस नहीं मिलता बस, बाकी आपको LED लाइट इसमें भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और ये भी कैसे स्मार्ट स्टार्ट हो, तो आप समझ ही गए होंगे, ये चाबी से स्टार्ट होगा। और फिर आप बोलेंगे नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 97,000 भी, तो आप जा सकते हैं 94,000 रुपीज़ में, तो ये है 94,000 रुपीज़ वाला। और आप इसको भी ऑन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बस क्या अंतर है इसमें, लाइट का ऑप्शन अंतर है कि आपको इसमें हेलोजन लाइट मिलेगा देखने को, बाकी कोई चीज़ आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख सकते हैं, नॉर्मल सही है, नो डाउट, अभी तक डिजिटल लाया नहीं एक्टिवा में, कब लाएगा नहीं पता, नो अपडेट्स है, लेकिन इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है कंपैरिजन वीडियो था, आपको होंडा भी अपनी लाइनअप में ये तीन ही गाड़ी रखा है, मतलब एक्टिवा का भी आपको अगर आप लेने जाएंगे तो आपको भी तीन ही गाड़ी मिलेगा, अगर आप लेने जाएंगे स्टैंडर्ड या डीलक्स या एच स्मार्ट। तो इस ओवरऑल वीडियो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाड़ी जोन।